वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंचेगी, वो भी फ्री में। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें और साथ साथ शेयर भी कर दें वीडियो को। आज हम अपने हब में बनाएंगे मटर वाइट पुलाव एक डिफरेंट स्टाइल में विदाउट एनी क्लेम। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे मटर चाहिए। मटर मैंने लिए हैं 1 पाव, 250 ग्राम है, और कप की मेजरमेंट में मैं आपको बता दूं तो ये मेरे ख्याल से हाफ कप बनते हैं। ये मैंने कलर इन्हांस करने के लिए जूनियन गाजर ले लिया है, इसको मैंने लंबाई में बारीक बारीक काट दिया है। ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया है, और साथ ही मैंने एक हरी मिर्च ले ली है। यह मेरे पास 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक लहसुन है। और इसमें मसाले जो हैं वो ज़्यादा नहीं जाएंगे, जस्ट बेसिक से मसाले हैं, और जो आपके घर पे मौजूद भी होंगे, घर में मौजूद मसालों से ही मैं बनाऊंगा इसे। मेरे पास 2.5 कप यानी 2.5 कप मेरे पास चावल है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया है। उसके हिसाब से मैंने 2 टेबलस्पून ये नमक ले लिया है, तकरीबन 10 से 12 काली मिर्च साबुत, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है शाह ज़ीरा यानी काला ज़ीरा, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा, ये मेरे पास तकरीबन 8 से 10 लौंग हैं, एक मैंने मोटी इलायची ली है, साथ ही मैंने बादियान का फूल उसके 2-3 मैंने पत्तियाँ उतार दी हैं, तोड़ ली हैं उससे, क्योंकि इसकी टेस्ट थोड़ी सख्त होती है। अगर ये पूरा डालूंगा तो ये ज़्यादा इसकी टेस्ट बिटर हो जाएगी, तो इसके लिए ये 2-3 खुशबू के लिए काफ़ी है। साथ ही मैंने 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं छोटे बड़े मिक्स, और आपके पास जो भी मसाले हैं इनमें से आप चाहें तो जो आपके पास हैं वो यूज़ करें, जो नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। एक चीज़ लाजमी है वो है काली मिर्चें और ये लौंग, क्योंकि जो आपका पुलाव होगा उसमें थोड़ा सा हॉट टेक्सचर देने के लिए यानी थोड़ा सा तीखा करने के लिए ये मिर्चें और लौंग दोनों इस्तेमाल होंगे। तो ये ऐसा है कि ये मैंने साबुत लिए 10 से 12, और 10 से 12 ही मैं लूँगा और उनको थोड़ा मोटा मोटा कूट लूँगा थोड़ा तीखा बनाने के लिए पुलाव को। तो अब मैं आपको बता देता हूँ चावल मैंने कितने लिए। ये मेरे पास 2.5 कप चावल है, डबल स्टीम राइस हैं ये, इनको मैंने तकरीबन रेसिपी शुरू करने से 1 घंटा पहले भिगो दिया था, और अब इन्हें भिगोए हुए तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के लगभग हो गए। तो ये मैंने 2.5 कप लिए हैं, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मेजर कर लें आपने कितना लेना है, और मसाले वगैरह हर चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 1/2 कप ऑयल ले लिया है, अब मैं इसमें अपने प्याज डाल दूंगा। प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, अब लो फ्लेम पर इसे थोड़ा सा पिंक सा करना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, डार्क पुलाव तो हम बना नहीं रहे, तो इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, लाइक इसके अंदर ये जो प्याज का थोड़ा सा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालता हूँ, और बाकी का जो प्रोसेस है मसाले और बाकी जो इसमें चीज़ें डलेंगी वीडियो में साथ साथ रहें, आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा और दिखाता भी जाऊँगा मैंने क्या क्या डाला और क्या क्या नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में लाइक भी कर दिया करें। प्याज हमारे थोड़े पिंक से हो गए हैं, इनमें से पानी भी ड्राई होना शुरू हो रहा है, अब मैं इसमें अपना लहसुन डाल देता हूँ। लहसुन भी मैंने इसमें शामिल कर दिए, अब मैं इसको थोड़ा सा लहसुन की खुशबू आने तक पकाऊँगा, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगा क्योंकि चावलों का कलर हमारा सारा चेंज हो जाएगा अगर इसमें मैंने प्याज ज़्यादा ब्राउन किए। तो अब साथ में इसमें अपने ये खड़े मसाले डाल दूंगा, पहले नहीं डालने आपने क्योंकि ये कलर अपना चेंज कर देंगे, बहुत डार्क कर देंगे। लहसुन की खुशबू भी आ गई है थोड़े बहुत, वो भी लाइट से गोल्डन हो गए, और प्याज भी हमारे डिज़ायर हो चुके हैं, तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। साथ ही इसमें मैं ये अपने मटर ऐड कर देता हूँ, 1 टेबल स्पून पानी डाल देता हूँ ताकि मटर साफ ना हो। अब 5 से 7 मिनट इन मटरों को मैं इस प्याजों के साथ भुनाई कर लूँगा अच्छी तरह से। मसालों की खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है, इस पॉइंट पर अब मैं इसमें अपनी गाजरें ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून
काली मिर्चें जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, अगर ज़्यादा बारीक कर देंगे तो ये अपने चावलों का कलर चेंज कर देगी। अब मैं ये इसमें शामिल कर देता हूँ, साथ ही इसमें मैं अपना नमक भी शामिल कर देता हूँ। अब मैं 5 से 7 मिनट की सही तरह से भुनाई कर लूँगा ताकि ये तकरीबन 50% कुक ना हो जाए। मसालों की खुशबू तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आ रही है, इसको मज़ीद खुशबूदार और लजीज बनाने के लिए मैं अब इसमें 1 टेबल स्पून ये भुना कुटा गरम मसाला डाल दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मसालों का टेस्ट अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो गर्म मसाले होते हैं, खड़े मसाले होते हैं, उनका टेस्ट अच्छा है, तो आप एक चीज़ लाजमी किया करें कि मसालों को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया करें, उसके बाद इनको पीस लिया करें, तो इनकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। किसी भी आप डिश में यूज़ करते हैं, किसी भी रेसिपी में यूज़ करते हैं, मैं यूजुअली ऐसा ही करता हूँ, ड्राई रोस्ट करके रख देता हूँ। तो जब यूज़ करने होते हैं, जिस अगर पाउडर चाहिए हो तो बारीक पीस लेता हूँ, अगर ना चाहिए हूँ तो मैं थोड़ा बहुत उन्हें मोटा पीस लेता हूँ। आप ये ऐसे ही कर लिया करें अच्छा टेस्ट लेने के लिए। मटर हमारे 50% कुक हो चुके हैं, अब टाइम आ गया कि मैं इनमें पानी डालूं, तो पानी की डिटेल मैं आपको बताता हूं। अब हम इसमें तकरीबन पानी डाल देंगे 5 कप से थोड़ा सा कम, यानी 1/4 हिस्सा, जितने भी आपने चावल लिए होंगे पहले भिगोए होंगे तो उससे 1/4 हिस्सा आपने हमेशा कम डालना है। इससे ये होता है कि आपके चावल अच्छे पकते हैं और जुड़े जुड़े नहीं होते, ढीले नहीं बनते उनके और खिले खिले रहते हैं, क्योंकि आपने पहले भिगोए हुए होते हैं चावलों का, जितना पानी एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो उन्हें एब्जॉर्ब किया होता है। सो लिहाजा आपने 1/4 हिस्सा उसका कम लेना है जितने भी आपने चावल लिए होंगे। चावल की मेजरमेंट मैंने इस मग से ली थी, 2.5 कप थे मेरे चावल, तो अब मैं इसमें तकरीबन 4.5 कप पानी डाल देता हूँ, 4.5 के लगभग 4.5 डालूँगा और चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। 4.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिए, अब मैं इसे हाई फ्लेम पर बॉयल कर लूँगा और बॉयल होने के बाद मिलता हूँ आपसे। अब मैं इसमें ये स्लाइस किए हुए लेमन और 2 साबुत हरी मिर्च डाल देता हूँ। पानी हमारा सही तरह से बॉयल हो गया, अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देते हैं। इसी तरह खोलते हुए पानी में मैं अपने ये सारे चावल ऐड कर दूँगा। अब मैं इन चावलों को इस डायरेक्शन में हिला लेता हूँ कि मिक्स भी हो जाएँ और टूटे भी ना। इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देता हूँ। चावलों का भी बॉयल आना शुरू हो गया है, अब मैं चावलों का पानी खुश्क होने के बाद आपसे मिलता हूँ। पानी मेरा खुश्क हो गया है, अब मैं इस पर थोड़ी सी गाजर डाल के इसे दम पे लगा देता हूँ। 12 से 14 मिनट हो गए हैं, मैंने अपने चावलों को दम दे लिया है, अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट इसी तरह ही छोड़ दूंगा दम पे। और इन चावलों को मैंने शिफ्ट इसलिए किया था क्योंकि वो जो दूसरा बर्तन था उसकी जो पेंदे वाली लेयर थी वो थोड़ी बारीक थी, तो उसे जब दम देता तो चावल साथ लग जाने थे, इसलिए मैंने इमिडिएटली इस बर्तन में से ट्रांसफ़र कर दिया था। मिलता हूँ मैं आपको 5 मिनट के बाद। 5 मिनट मज़ीद भी हो गए इन्हें दम पे, अब दम खोल के देखते हैं चावलों की क्या सिचुएशन है। चावल हमारे अच्छे से दम आ गए, मैं इनको उठा के भी आपको दिखा देता हूँ क्या सिचुएशन है चावलों की। ये देख लें, एक एक खिला खिला चावल है, मैं मुकम्मल दम खोल के आपको दिखाता हूँ। दम मैंने खोल लिया है, देख लें चावलों की लेंथ भी कितनी है, चावलों की लुक कितनी शाइनी है। तो चलिए आप इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। चावलों को मैंने सर्व कर लिए, तैयार है हमारा ज़बरदस्त किस्म का मटर वाइट पुलाव। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वो हमारी मेहनत का फल होता है। अगर आप रेसिपी ट्राई करके मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेरे इंस्टा पर आप अपनी रिव्यू देख सकते हैं। तैयार है हमारा ज़बरदस्त किस्म का मटर वाइट पुलाव। अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।